वो सारे मनुवादी थे जिन्होंने ताली बजाई है। वहाँ का SDM भी, ADM भी, SP भी सब मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। यहाँ तक कि जो वहाँ का CM है वो भी मनुवादी मानसिकता का है। यहाँ तक कुछ CM के आसपास जितने भी वो सब मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। इससे पहले मूछों पे वहाँ एक कत्ल हुआ था, इस छोटे बच्चे को मारा गया। ऐसी होती रहेंगी ये तो इसी तरह से। कौन सोचेगा इसके बारे में बताइए आप? ये हमारी तुम्हारी समाज के जो लोग ठेकेदार बन रहे हैं उनकी सोचने की जिम्मेदारी है नहीं, बताइए आप? प्रशासन भी झुक जाएगा हमारी एकता के सामने यदि हम एक होंगे। हमारी एकता ही तो नहीं है यदि हम एक होंगे। हम एक एक 40 करोड़ देश के SC या दलित एक हो जाएंगे तो प्रशासन के सब कुछ झुकेगा। आप बताइए, हम एक नहीं हैं। आप बताइए, हम एक नहीं हैं इसलिए तो हम फूटे हुए हैं, फूट रहे हैं हम। कहाँ दिखावा है तो कहाँ एक, बताइए आप? कितने दलित गए वहाँ पे? आप जालौर में कितने दलित गए 40 करोड़ में से मुझे बता दूंगा। मैं खुलकर कह रहा हूँ तुम्हारे चैनल के माध्यम से, केवल व्हाट्सएप और फेसबुक पर दिखाने के लिए जा रहे हैं वहाँ, अपने को फेमस करने के लिए, केवल दिखाने के लिए कि हम उनके साथ हैं। कोई भी दल से बेशक, बताइए कौन सा पैसा दे कर रहे हैं, बताइए उनके घर वालों को। दिक्कत ना जाए तो दिक्कत, काम क्या कर रहे हैं ये बताइए ना। दलित संगठन क्या काम कर रहे हैं बताइए, क्या काम कर रहे हैं बताइए ना, क्या काम कर रहे हैं? दिलाने गए ना, देखिए क्या न्याय दिलाने गए बताइए। कैसा न्याय दिला रहे हैं उन्होंने? मैं 100 बचा रहे हैं खामों का, उन पर लट्ठे और बजवा रहे हैं खामों का, केस रजिस्टर्ड करवा रहे हैं लोगों पे, नए नए स्टूडेंटों पर कितने केस। क्या करना चाहिए उन संगठन? समाज में काम करना चाहिए, जमीन पर उतर के, जभी तो कुछ होगा। कि आप शिशु मंदिर में अपने बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं, ऐसे आदमी या ऐसे मानसिकता वाले लोगों के स्कूल में जो RSS से पोषित है, शिशु मंदिर जितने भी हैं या गुरुकुल जो थे जितने भी, वो सब RSS से पोषित थे। उसमें केवल यही मनुवादी मानसिकता के लोग टीचर थे उसमें, और वो यही बताते थे कि तुम्हें SC को ऊपर नहीं लेके आना है, OBC को ऊपर नहीं लेके आना है, इनके खिलाफ आपको ये करना है। और उन्हें इतनी जलन है SC से, बहुत ही ज़्यादा दलितों से। वो नहीं चाहते कि दलितों के बच्चे पढ़ के ऊपर आएँ। और अभी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसकी ऐसी मानसिकता थी कि उसने बच्चे को मारा पीटा, जिसकी वजह से वो बच्चा मर गया। और बुरी मानसिकता और जहरीली उसके दिमाग में जो सोच थी हमारे प्रति, दलितों के प्रति, SC के प्रति, वो निकल के सामने आई। रोहित वेमुला जो मामला था उसके साथ भी शोषण हो रहा था, इसलिए उसे इस कगार पर ले आए कि उसे आत्महत्या तक करनी पड़ी रोहित वेमुला को। तो फिर कैसे रुकेगा अत्याचार जब शिक्षित लोगों पर भी नहीं रुक रहा था? आपको घरों से बाहर आना पड़ेगा। लोग जो शिक्षित हो गए हैं, जो समृद्ध हो गए हैं, जो लोग धनवान हो गए हैं, जिनके हाथ में पावर है, बाबा साहब ने कहा था कि जो लोग हमारे पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं वो और भाइयों का भी साथ दें। हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो रिजर्वेशन के बल पर ऊपर आए, बढ़कर IAS, IPS, डॉक्टर, जज, वकील, प्रोफेसर बहुत लोग बने हैं और आज भी हैं, और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, और 131 पार्लियामेंट हैं, और 1000 से भी ज़्यादा MLAs हैं। बाबा साहब ने उसी समय रिजर्वेशन तो कंप्लीट दे दिया था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, तो वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं, अपने भाइयों के लिए कुछ पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो वो जो आज भी गरीब हैं, जो शोषित हैं, उनके लिए रास्ता नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए उन पर अत्याचार हो रहे हैं। हमारे उन लोगों को जो पूरी तरह से समृद्ध हो चुके हैं, उन्हें उनका साथ देना पड़ेगा। वो घर में जो AC, TV और BB में लगे हुए हैं, उनको बाहर आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब जब मरने के बाद जितने सामाजिक संगठन निकल के आ रहे हैं, वो पहले काम नहीं करते हैं, मरने के बाद आवाज निकल के आए हैं, जितने भी हमारे 10 लाख संगठन। मैं उन संगठनों पर भी सवालिया निशान खड़ा करता हूँ जो घटना के बाद पहुँचते हैं, पहले कुछ नहीं करते हैं, घटनाओं के बाद पहुँचते हैं। जब वो लड़का मर गया है, बच्चा, FIR हो गई है, उसको जेल भेज दिया गया कल्प्रिट को, उसके बाद जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, ट्रायल फेस होगा और उसके बाद में सजा होगी, सजा में वो मौत भी हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकती है, फांसी की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब ये क्या कर रहे हैं, जो संगठन जो कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अरे मेन काम तो जो आपका है, उस काम को तो कर ही नहीं, जो बाबा साहब ने कहा था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, इन्हें समाज में उतर के आना होगा, काम करना होगा, जमीन पर आकर लोगों को वहाँ बाबा साहब की मिशन से अवेयर कराना होगा उन्हें। ये नई प्लानिंग जो बना रहे हैं, डिफेंस जो ले रहे हैं कि मटका ही नहीं था वहाँ पे, ये तो पहले ही क्लियर हो गया था कि मटके से हाथ लगाने पे तो उसे बच्चे को मारा था। ऐसा हो सकता है उसकी इंटेंशन नहीं रही हो, बच्चे को मार ज़्यादा लग गई, वो मर गया बच्चा, ठीक है ना, जान से मारने की नीयत से ना रही हो, लेकिन वो अब तो फिलहाल यही साबित हो गया कि बच्चा उस मार से ही मरा था, उसी इलाज की वजह से उसमें सब कुछ आ गई, खामियां की इस वजह से वो बच्चा मरा है। उसे FIR हुई है और जेल गया है, और यदि पनिशमेंट पूरी तरह से होता है तो पूरी फांसी की सज़ा होगी। साथियों, सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम, मैं एडवोकेट मनोज कुमार दिल्ली से। बाबा साहब की बात नहीं मानी लोगों ने, इसलिए लोगों पर अत्याचार होते हैं और होते रहेंगे।
जिस बात को बाबा साहब कह के गए थे कि इन इन कामों को कीजिए, उन कामों को कोई भी दलित या एससी एसटी ओबीसी कोई कर ही नहीं रहा है। बिल्कुल बाबा साहब की बात, बाबा साहब ने रास्ता, बाबा साहब ने रास्ता दिया था शोषण से बचने का, उस रास्ते पर कोई दलित या एससी चल ही नहीं रहा। बिल्कुल क्या रास्ता था? रास्ता सबसे पहले बाबा साहब ने दिया था कि आप सबसे पहले एजुकेशन लीजिए, आप शिक्षित बनिए। बाबा साहब ने कहा था, आज 75 साल हो गई है देश को आजादी। तो 9 साल का बच्चा स्कूल में शिक्षा लेने गया था ना, वो आज 75 साल हो गई है। 9 साल का बच्चा, वो मानसिकता भी बताऊंगा अभी। जब 75 साल हो गई देश को आजाद हुए और आज भी लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर नहीं चले। बाबा साहब ने कहा था कि पहले शिक्षित बनो और जब शिक्षित बन जाओगे तो आपके ऊपर बहुत ही कम अत्याचार होगा, ना के बराबर होगा या होगा ही नहीं। आप केवल व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप और फेसबुक जो यूनिवर्सिटी चल रही है उसी पे दिखावा हो रहा है। जमीन पे जो काम होना चाहिए, तमाम लोग तो राजस्थान पहुंच गए, वो बिल्कुल नहीं। पहुंचने से क्या होगा, लड़का वापस आ जाएगा क्या? सवाल ये, निशान ये खड़ा करता है। वो तो कह रहे हैं ना कि हमने FIR कर दी और उसे अब तो जुडिशरी देखेगी, न्यायालय देखेंगे, कोर्ट देखेगी, क्या होगा बताइए ना। ये क्या करेंगे संगठन वहाँ जाके, बताइए क्या कर लेंगे अब? मांग तो मनवा सकते हैं, मांग मनवा रहे हैं संगठन को। मैं तो जब जानू, वो संगठन सबसे पैसा इकट्ठा करके और उसके घर को पैसे इकट्ठे दें, 2-4 करोड़। इतने SC हैं तो एक एक रुपया भी इकट्ठा करेंगे ना देश में, 40 करोड़ SC हैं, दलित हैं, एक एक रुपया भी करेंगे तो 40 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और 40 करोड़ में 40 स्कूल हर साल बन सकते हैं। ये जो सामाजिक संगठन जो जिम्मेदारी लेते हैं कि हम समाज के ठेकेदार हैं, हर कोई एक वो करेंगे। आरोप लगा रहा ना, आप भी दूसरे पे लगा रहे। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं उनको कार्यशैली बता रहा हूँ। वो जितना दिखावा करते हैं बाबा साहब के मिशन पर, क्या वो अंदर झांक के देखा सच्चाई में काम कर रहे हैं? बाबा साहब का रिजर्वेशन को लेकर जो आगे बढ़ाया, क्या वो बाबा साहब के मिशन के लिए ₹1,000 भी नहीं दे पा रहा कोई आदमी? जितने हमारे सामाजिक संगठन और स्कूल जो चल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई दे नहीं पा रहा? हम भी समाज में काम करते हैं, हम भी देखते हैं। हम जैसे लोग, ईमानदार लोग जो होगा, जो बाबा साहब को जिसने पढ़ा है, वो बाबा साहब के मिशन से कभी बेईमानी नहीं करेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा। ये जिसने बाबा साहब के मिशन को नहीं पढ़ा है, वही उस पैसे को मिसयूज कर सकता है, वही उस पावर को मिसयूज कर सकता है। तमाम दलित संगठन पैसा इकट्ठा करते हैं, चंदा लेते हैं, कहाँ जाता है वो? आपको नहीं पता कहाँ जाता है वो? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पता है, उसका मिसयूज हो रहा है पैसे का। जिस लोग, जिन बच्चों के लिए या जिन समाज के लोगों के लिए वो पैसा खर्च होना चाहिए, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो इस घटना का जिम्मेदार आप जितने दलित संगठनों में मानते हैं? मैं दलित संगठनों को नहीं मानता समाज, समाज का जिम्मेदार तो मैं उसी टीचर को मानता हूँ, मनुवादी मानसिकता के टीचर को, जिसने बच्चे को मारा है। संगठन नहीं, बल्कि ये संगठन एक काम कर सकते हैं। मैंने बाबा साहब को जहाँ तक पढ़ा है, यदि ये सही तरह से काम करें तो इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हो सकती हैं। गरीबों का साथ नहीं देगा, दलितों का साथ नहीं देगा, एसटीओं का साथ नहीं देगा, कानून उनका साथ नहीं देता। यहाँ तक कि एक तो बच्चा मर गया, उनके माँ बाप के साथ भी मार पिटाई हुई है। जो वहाँ लोग FIR दर्ज कराने के लिए, MLC कराने के लिए, क्रिमिनेशन कराने के लिए जो इकट्ठे, उन पर भी पुलिस ने लाठियां बरसाई। आप बताइए कहाँ गया कानून? कानून इसलिए साथ नहीं देते गरीबों को क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। कानून रईसों की और राजनीतिक नेताओं की कठपुतली बन गया है, उन्हीं के इशारों पर काम करता है। ये आप जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वो रुकेंगे कैसे अत्याचार, अत्याचार सामाजिक संगठनों की वजह से तो रुकेंगे, रुकेंगे काम करने से। मेन सरकार का काम होता है रोकना, सरकार के हाथ में बहुत पावर होती है, यदि सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। हाँ, तो ये गलत है ना, गलत स्टेटमेंट है पूरी तरह से। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे लोग एक बाबा साहब के रास्ते को नहीं चुना। बाबा साहब ने दूसरा पॉइंट जो बोला था, वो बोला था संगठित रहने का। हम संगठित नहीं है, जो लोग संगठित होते हैं समाज और देश की सरकार उसी उन्हीं की आवाज़ सुनती हैं। अब हमारी आवाज़ इसलिए नहीं, हम बिखरे हुए हैं लोग। हमारे 10 लाख संगठन काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं बताइए, कहाँ आवाज़ उठा रहे हैं आप बताइए? इसलिए तो काम नहीं हो पा रहा। अब हम एक नहीं, जब एकता हो जाएगी, यूनाइटेड हो जाएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। एकता के लिए काम करना चाहिए, संघर्ष के लिए काम करना चाहिए और एजुकेशन के लिए काम करना चाहिए। उन पर तो काम करते नहीं है, खामो खामा भाषणबाजी देने लग जाते हैं जाके। जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। हम अकेले यहाँ रह के 100 से ज़्यादा वकील बना चुके हैं हम, गरीब गरीब लोगों को। ये काम है अंदर का काम, 100 से ज़्यादा वकील तैयार कर चुके हैं हम, 100 से ज़्यादा। और जीवित रहने तक ये प्रण लिया कि 1,000 एडवोकेट बना के जाएंगे, 1,000 सिपाही तैयार करने बाबा साहब के मिशन के लिए। आप कम बात समझ रहे हैं क्या? बताइए, ये होता है काम? जालौर वाली घटना पर कर रहे हैं, हमारी संवेदना उनके साथ है, क्या करेंगे बताइए? ये तो काम करने वाला काम हमारा काम है, हम तो केवल जागरूक कर रहे हैं लोगों को। ऐसे जालौर की हो रही है, कितनी हुई है जालौर की, पहली घटना थोड़ी है देश के अंदर, कितनी हुई है? इससे पहले मूछों के ऊपर कत्ल हुआ था, इससे पहले एक बहुत बड़ा केस हुआ था, उसमें रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था,
सबसे ज्यादा देश के अंदर राजस्थान में। कार्रवाई क्या कर रहे हैं आप लोग इस पर? कानूनी कार्रवाई नहीं होती, कानूनी कार्रवाई के लिए ऑलरेडी वहाँ वकील हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, सरकारी वकील होता है, स्टेट केस है ये, समझ रहे हो ना। हमारा काम है वकीलों को तैयार करना। वो हिंदू ब्राह्मण जब एक थे, जब तो राम मंदिर का फैसला अपने हक में ले लिया था कोर्ट के थ्रू भी, एकता ये होती है। बताइए आप, बीजेपी के जो नेता हैं वो कुछ भी बोले जाएं, कितने अत्याचार करे जाएं, उनके खिलाफ़ FIR नहीं होती है। RSS एकजुट है, RSS के खिलाफ कुछ भी बोलते रहो, वो कुछ भी करते रहो, उनके खिलाफ़ FIR नहीं होती है। कहाँ चले गए, कौन सा जेल गया बताइए? अरे ये तो मजबूरी में भेजना पड़ेगा, एक आधा ऑप्शनल है, आप बताइए। वो तो गैंग रेप में फंस के पकड़े गए थे, जब भेज दिया बिहार में, बताइए। ऐसा नहीं है, काम करना होगा। आपने जो पहले सवाल पूछा था कि ये अत्याचार रोकेंगे कैसे, लोग मरने से बचेंगे कैसे, उसका एक ही रास्ता है। हमारे पास कोई अलग से IPC नहीं है, लॉर्ड मैकाले ने जो IPC बनाई थी सन 1860 में, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन हमारी जो कार्यशैली है वो बाबा साहब लिख के चले गए हैं। 10% लोगों की मानसिकता और 85% लोग झेल रहे हैं, आप बताइए किसकी कमी है? ये यूनाइटेड होने की कमी है ना। यदि हम यूनाइट हो जाएंगे तो 10% या 15% लोग क्या कर पाएंगे? 10% जो लोग हैं उनके पास 90% संसाधन है ना। संसाधन तो छीने भी जा सकते हैं, जब हम एक हो जाएंगे तो पूरे देश को छीन लेंगे हम इनसे, आप बताइए। क्यों, रूस की क्रांति ना देखी थी? आप तो संविधान को मानने वाले लोग। कमाल है यार, संविधान संविधान में दे रहा है ना अधिकार, जो संविधान में बोला था कि समता मूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए और आय के जो साधन है वो समान अनुपात में वितरित होने चाहिए थे, जो आज तक नहीं करे, इन्होंने सारा पैसा अपना आप ले लिया। तो मैं यही कहूँगा, अभी भी ये अत्याचार रोकने का एक ही रास्ता है, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना। बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब को अच्छी तरह जो भगवान बुद्ध ने कहा उसे पढ़ो, हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता पहले जो लिख के चले गए उन्हें पढ़ो, तभी हम उस रास्ते पर आ सकते हैं। वरना मेरे कहने से और आपके पूछने से, मेरे कहने से यहाँ बैठकर और आपके सवाल पूछने से अत्याचार नहीं रुकेंगे।